Top 20 News is brought to you by Ora Fine Jewelry in association with Symbiosis Center for Skill Development. नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN News पर. आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री. शेयर बाजार खुलते ही ओपनिंग मिनटों में ही BSE का सेंसेक्स 72,209 पर आ गया, यानी इसने 72,000 का लेवल पार कर लिया है. निफ्टी ने 21,873 का लेवल पार कर लिया है. बैंक निफ्टी 427.25 अंक या 0.93% की उछाल के साथ 40,615 के लेवल पर पहुंच गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं. आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है. आपकी ओर से कहा गया है कि कानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे. झारखंड में सियासी हलचल फिर बढ़ने लग गई है. एक बार फिर विधायकों के हैदराबाद जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है. सूत्रों के मुताबिक 10:30 बजे विधायक रांची एयरपोर्ट जा सकते हैं. 5 फरवरी को विश्वास मत होगा, सभी विधायक उसी दिन रांची लौटेंगे. मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज आया है. इस मैसेज के माध्यम से मुंबई में धमाके करने की धमकी दी गई है. इस मैसेज में कहा गया है कि मुंबई में 6 जगह बम रखे गए हैं. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट समिति आज सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी को सीएम आवास जाकर अपना ड्राफ्ट सौंपेगी. दिल्ली सहित उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. इसी बीच कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही है. परिचालन में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ईडी के सामने पेश होने के बाद NCP शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का कहना है कि चुनाव नजदीक है, इसलिए लोगों को लगता है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ये कार्यवाही इसलिए हो रही है. केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच हो रही है और इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है. उत्तराखंड में बढ़ती ठंड के देखते हुए देहरादून जिले में कक्षा 8 तक के स्कूल 2 फरवरी यानी शुक्रवार को बंद रहेंगे. देहरादून में तापमान 9 डिग्री से नीचे आ गया है. ऐसे में ठंड के देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि केंद्रीय अंतरिम बजट समाज के हर वर्ग की जरूरतों को पूरा करता है. दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि बजट बेकार है क्योंकि इसमें जनता को अधिक करों से कोई राहत नहीं दी गई है. महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है. चर्चा शुरू हो गई है कि बांद्रा पूर्व के पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी भी कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है. बाबा सिद्दीकी अजीत पवार गुट के संपर्क में है और कहा जा रहा है कि वो अजीत पवार गुट के NCP में शामिल हो सकते हैं. महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख देने वाले शिवपा संगठन के नेता मनोज जरांगी पाटिल ने कहा कि वह मुसलमानों के लिए आरक्षण और धनगर समुदाय के लिए श्रेणी में बदलाव देने के पक्ष में है. शिवसेना UPT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया है. अंतरिम बजट पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है. फडणवीस ने अंतरिम बजट पर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है. NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट ने बुधवार को कहा कि वह एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का समर्थन करता है और उसने उसे अधिक समकालिक और कुशल चुनावी प्रक्रिया की ओर एक कदम बढ़ा है. विशाखापट्टनम में आज से भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट शुरू हो गया है. हैदराबाद में पहले टेस्ट में हार के बाद YSR स्टेडियम में हो रहे इस मुकाबले में टीम इंडिया बराबरी के इरादे से उतर रही है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है. बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है. एक्टर की भांजी और एक्ट्रेस आरती सिंह शादी करने जा रही है. आरती सिंह ने खुद अपनी शादी की बात को सभी के साथ शेयर किया है. बॉलीवुड के बेहतरीन फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली के अपकमिंग प्रोजेक्ट हीरा मंडी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं. हीरा मंडी की एक और झलक फिल्म मेकर में बीते दिन सभी के सामने पेश कर दी है, जिसे देखने के बाद दर्शकों के दिल में इसके बारे में और जानने की चाहत बढ़ती जा रही है. बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी आज अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट करी है. एक्ट्रेस को उनके स्पेशल डे पर उनके तमाम फैंस, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स खूब बधाई दे रहे हैं. झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के झटका लगा है. कोर्ट ने इनकी अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हाई कोर्ट जाइए.
इंडिया गठबंधन के सांसद झारखंड के मुद्दे को आज संसद में उठाएंगे। बता दें कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष झारखंड के मुद्दे पर आक्रामक है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबिट्स न्यूज़। नमस्कार।